हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम एक्स के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, करंट पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे और एनर्जीज में भी टैप इन करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल ऑफ दैट। बट यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ इस करंट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ। सो या, लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। उसकी करंट एनर्जीज में झांकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। द हैंगमैन, आपका पर्सन हो सकता है शायद उसको अभी टाइम अलोन चाहिए। हो सकता है कि वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एग्जॉस्टेड हो। हो सकता है उसको अपना अकेलापन चाहिए राइट नाउ। हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो। हो सकता है उसको रेस्ट चाहिए, बेसिकली इस बार आई एम पिकिंग अप। तो वो आपसे कहना चाहता है कि राइट नाउ शायद उसको एक एग्जॉस्ट एनर्जी है उसकी राइट नाउ और वो रेस्ट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की तबीयत जो है वो सही नहीं हो, या उसको स्ट्रेस हो किसी चीज़ का जिसकी वजह से वो सही फील नहीं कर रहा। सो वो कहना चाहता है आपका पर्सन। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, द हायरोफैंट। हो सकता है कि आपका पर्सन काफ़ी बिजी रहा हो रीसेंट टाइम्स से और नाउ वो अच्छा फील नहीं कर रहा राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, द जस्टिस। एक और कार्ड लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द पेज ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, बट राइट नाउ कुछ ऐसा है जो कि रेस्टलेस कर रहा है आपके पर्सन को। वो आपसे कहना चाहता है कि उसको आपका प्यार, आपका साथ चाहिए राइट नाउ। कुछ ऐसा है जो कि उसको परेशान कर रहा है और उसको पता है कि राइट नाउ वो आपको वो सब नहीं दे पा रहा जो वो आप डिज़ायर करते हो उस इंसान के साथ, लेकिन उसको आपके प्यार की ज़रूरत है राइट नाउ। चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका है, चाहे आपके साथ हो, आप उसके साथ हो, चाहे जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में, मुझे लगता है कि आपका पर्सन, अगर स्पेशली अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो, तो शायद आपको काफ़ी दफ़ा ख्वाब में भी आ रहा होगा और रीज़न यही है कि वो आपको मिस कर रहा है, उसको आपका साथ चाहिए, उसको आपका प्यार चाहिए। होल्ड ऑन, सो या, उसको डेफिनेटली आपका प्यार, आपका साथ चाहिए राइट नाउ। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, आपके लिए क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, चाहे एक्स है, करंट पर्सन है, जो भी है, जानने की कोशिश करते हैं कि उसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और क्या कहना चाहता है आपको इस सब के अलावा। लेट्स सी, आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। उसको पता है कि वो आपको, उसने हर्ट किया है और उसने अपनी लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस की हैं आपके साथ। आपको हर्ट करने में शायद उसने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, आपको बुरा फील कराने में शायद उसने कुछ कुछ ऐसा नहीं किया उसने जिससे आप खुश रहो उसके साथ, और उसको पता है कि उसने हर लाइन क्रॉस की है इन अ रॉन्ग वे। सो वो कहना चाह रहा है आपसे। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ खिंच रहा है, लाइक उसको आपकी ज़रूरत फील हो रही है, आपको आपको लेकर नीडीनेस आ रही है आपके पर्सन के अंदर। और अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो इस इंसान के साथ, तो आप बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई मैसेज जो है वो ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर रिग्रेट ज़रूर है, आपको खो देने का रिग्रेट है अगर पास्ट पर्सन है, और अगर करंट पर्सन है तो उसको डर लग रहा है अब कि वो आपको अपनी हरकतों की वजह से शायद अब खो देगा, क्योंकि कुछ ऐसा है उसको स्ट्रेस कर रहा है। हो सकता है कि यही चीज़ हो जो उसको जिसके बारे में वो हैवीली सोच रहा है, और उसको लग रहा है कि उसको जस्टिस करना चाहिए, आपके पास वापस आना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए आपको। लेट्स सी, एक और लास्ट कार्ड लेंगे इस डेक से। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। काफ़ी हद तक वो तो इस नाइन ऑफ सोल्स की एनर्जी से भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम आपका पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है, और उसके लिए सो जाना मुश्किल है क्योंकि उसको आप अपने पास चाहिए हो। सो लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के और क्या कहना चाहता है आपसे। I am trying to work on my mental blocks.
काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे दूर रहा या आपको वो सब नहीं दिया उसने कनेक्शन में जो आप चाहते थे, बिकॉज ऑफ उसके मेंटल ब्लॉक्स थे रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शंस को लेके, कमिटमेंट्स को लेके। हो सकता है उसके जहन में बहुत ज़्यादा फियर था इन सब चीज़ों को लेके, हो सकता है वो अकेला रहना चाहता था, लेकिन अब वो उन चीज़ों को रिग्रेट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो जो भी इसके मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो भी इसके फियर्स हैं रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेकर, वो उनके ऊपर काम करे ताकि वो आपके पास आ सके और आपके पास हो सके। आई नो आई हैव बीन टफ एंड रूड टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। कहीं ना कहीं इसका रिग्रेट जो है वो उसको डेफिनेटली सोने नहीं देता रात को, और वो चाहता है कि चीज़ों को वर्कआउट किया जाए आपके साथ। उसको पता है कि उसने आपके साथ सही नहीं किया, वो आपको अच्छे से ट्रीट कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। दैट मीन्स कि हो सकता है कि अगर आपका पर्सन आपको इग्नोर करता था और आपको कहता था कि मैं टाइम नहीं है, बिजी हूँ, ये है वो है, जो भी रीजंस वो देता था, तो मुझे लगता है कि अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो चाहता, मैं ये नहीं कह रही कि वो बिजी नहीं था, मैं ये कह रही हूँ कि शायद उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे यू नो आप अगर बिजी होते हो फॉर डूइंग समथिंग, तो आप कहीं ना कहीं आपके पास इतना टाइम होता है कि आप रिप्लाई कर सको, जैसे आप यू नो जस्ट आप वॉशरूम जाते हो, आप खाना खाते हो, तो आप उस टाइम के अंदर आप कोशिश करो तो मैसेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मुझे लग रहा है कि उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उससे गलती हुई है और वो आपसे कहना चाह रहा है कि वो मुझे लगता है कि अपोलोजाइज़ करेगा आपका। अगर यू नो पर्सन ऐसा है जो कि जिससे आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है, तो वो आकर अपोलोजाइज़ ज़रूर करेगा आपसे। और अगर आप इस इंसान के साथ हो करंटली भी, तो मुझे लगता है कि तब इन दैट सिचुएशन शायद ये मेकअप करने की कोशिश करे उस सब चीज़ों के लिए जो इसने गलत की हैं कनेक्शन में रहते हुए, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता। इसको पता है कि आप जितना प्यार शायद इसको कोई और दुनिया में नहीं कर सकता। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। यू आर एंड यू विल बी माई फॉर एवर लव, आप हो और रहोगे इसके फॉर एवर लव। मुझे लगता है कि आपका पर्सन अब आपको प्यार करता है, पहले शायद नहीं करता था, या पहले शायद इसने कभी अपनी फीलिंग्स एम्ब्रेस नहीं की, उनको अपनाया नहीं या उनको कन्फेस नहीं किया, लेकिन अब वो ओपनली कहना चाहता है आपसे, और उसके लिए ये डेफिनेटली आपसे बात करेगा, ओपनली एक्सप्रेस भी करेगा। आई लव द वे यू लव मी, इट फील्स इट जस्ट फील्स स्पेशल। और इसको एक चीज़ तो जो मैंने कहा ना कि एक फीलिंग की आप जितना प्यार इससे शायद कोई और नहीं कर सकता, तो वो चीज़ इसको आपकी जो यू नो आपके अंदर जो एक यू नो एक पुल इसको फील हो रहा है, या एक मैग्नेट की तरह आप इसे जो खींच रहे हो अपनी तरफ, उसका एक रीज़न ये भी है कि जिस तरह आप इसको प्यार करते हो, जितना आप इसको वैल्यू करते हो, उतना कोई और इंसान इसको वैल्यू नहीं कर सकता, जो कि अगेन इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि ये आपके पास आना चाह रहा है। आई नीडेड स्पेस, ये आपसे कहना चाहता है कि पहले इसको स्पेस चाहिए था, पहले इसको टाइम चाहिए था, अब उसको वो टाइम नहीं चाहिए, जब शायद आप इससे पुल अवे हो चुके हो, या अगर आप इसके साथ भी हो और यू नो आप इस तरह की स्ट्रगल्स आपको हो रहे हैं। मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आपका पर्सन ऐसा ऐसा, अगर आप पुल अवे कर रहे हो अपने आप को स्लोली इस इंसान से, तो ये इंसान गिव इन करना शुरू कर देगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको चेज़ करना छोड़ो, स्पेशली अगर आप करंटली डील कर रहे हो पर्सन से और आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा। जैसे ही आप इससे पुल अवे करोगे, आपको अपने पर्सन के अंदर चेंज ज़रूर नज़र आएगा। और मैसेजेस देखते हैं और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। उसके बाद हम एक कार्ड लेंगे जस्ट टू सी कि आप आने वाले टाइम में मेजर क्या शिफ्ट एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने पर्सन के साथ इन योर लव लाइफ। आई हेट द वे आई स्टिल लव यू। मुझे लगता है कि अगेन आपका पर्सन शायद ऐसा नहीं है जो कि बहुत ईजीली एक्सप्रेस कर देता हो, या बहुत ईजीली यू नो अपनी फीलिंग्स एम्ब्रेस करता हो, लेकिन उसको सोच कर भी उलझन होती है, या फिर एक वो फील आता है कि आप इतना इम्पॉर्टेंट कैसे हो गए हो उसके लिए। यू नो एक वो चीज़ है, एक वो जैसे आप अपनी पावर खो रहे हो, आपके इमोशंस आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहे हो, तो उस तरह से ये इंसान हेट करता है इस फैक्ट को कि वो आपसे प्यार करने लगा है, जो कि शायद पहले इसने एक्सपीरियंस नहीं किया आपके लिए कभी भी। सो देखते हैं कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए, और उसके बाद हम वो वाला कार्ड लेंगे जिसमें जानेंगे हम कि क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आने वाले दिनों में अपने पर्सन के साथ। सो पहले ओरेकल कार्ड देखते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप और आपका पर्सन जो है वो इतना स्ट्रांग कनेक्शन है कि आप दोनों शायद बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का, बट मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट द सोलफुलनेस ऑफ दिस कनेक्शन, जो कि आप एक दूसरे से दूर हो के भी कभी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। लेट्स सी मेजर शिफ्ट क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आने वाले दिनों में अपने पर्सन के साथ। द हैंगमैन, रुकी हुई चीज़ें जो हैं वो इसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद ये चीज़ें बदलेंगी, उसके बाद ये चीज़ें चेंज होगी। कुछ आपका टाइम अपार्ट या फिर एक स्टैग्नेशन इज़ अ मस्ट, जब वो हो जाएगी उसके बाद आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ चेंज आएगा। इन अ वे
क्विक वे, शायद आपकी राइट नाउ आपके पर्सन से हैंगमैन के साथ एक ऐसी एनर्जी जो स्टेग्नेशन है, उसके बाद एक ब्रेक के बाद, एक पॉज के बाद, एक रेस्ट के बाद एक सडन डेवलपमेंट होगी इस कनेक्शन में और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक और लास्ट कार्ड देख लेते हैं, टावर के बाद क्या होने वाला है। द फूल, न्यू बिगिनिंग, द हैंगमैन, द टावर और फिर कम्स द न्यू बिगिनिंग। तो मुझे लगता है कि आपका और आपके पर्सन के दरमियान में एक जो पॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट एज इन कि नेसेसरी है, क्योंकि जब तक ये पॉज नहीं आएगा आपके कनेक्शन में, मुझे नहीं लगता कि आपका कनेक्शन जो है वो कहीं आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लड़कियां या फीमेल जो हैं वो हमेशा किसी से भी प्यार करती हैं जब उसकी प्रेजेंस में होती हैं, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको उससे प्यार हो जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गाइस, वो हमेशा आपकी एब्सेंस में आपको ज़्यादा मिस करेंगे और आपके लिए फीलिंग्स जो हैं उनकी ज़्यादा डेवलप होंगी आपकी एब्सेंस में। सो मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आप किसी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, देन मे बी आपको बहुत ज़रूरत है कि आप उस इंसान को स्पेस दो। जब आप उसको स्पेस दोगे, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और अगर आपको ये फियर है कि कहीं वो आपको भूल ना जाए, तो ऐसा नहीं होगा। स्पेशली अगर आपने उसे प्यार किया है दिल से वाला, तो वो आपको डेफिनेटली मिस करेगा और आपके प्यार को मिस करेगा और आपके पास आएगा वो सब देने के लिए जो आप चाहते हो। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।